सफेद बाघ ने तीन नन्हे शावकों को जन्म दिया है, जिसके बाद अब चिड़ियाघर में सफेद बाघों की संख्या 9 हो गई है। भिलाई के मैत्री बाघ चिड़ियाघर में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ पर एक बार फिर नन्हे शावकों की किलकारियां गूंजी है। चिड़ियाघर में सफेद बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया है, जिसके बाद बाघ सुल्तान और बाघिन रोमा के परिवार का कुनबा बढ़ चुका है। अब मैत्री बाघ चिड़ियाघर में मौजूद सफेद बाघों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। जन्मे शावकों को अभी बाघिन के साथ ही रखा गया है। पैदा होने के बाद जू प्रबंधन ने इन्हें डार्क रूम में रखा है। मैत्री बाघ जू के वेटनरी डॉक्टर एनके जैन का कहना है कि मैत्री बाघ जू सफेद बाघों के वंश वृद्धि के लिए बेहद अनुकूल है। रॉयल बंगाल टाइग में सफेद की उत्पत्ति बहुत ही खतरनाक होती है। ये सफेद से थोड़ा सा रेजिस्टेंट कम होता है, समय दिन साल ज्यादा होते हैं, तो कम्पेरेटिव में व्हाइट टाइगर जो है वो कम समय मतलब बहुत ही समय होता है। नन्हे शावकों को 4 महीने बाद केज में छोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल वो माँ के दूध पर ही डिपेंड है। जब छोटे मांस के टुकड़े खाना शुरू करेंगे तो केज में छोड़ा जाएगा। एक साल पहले भी सुल्तान बाघ और रोमा बाघिन ने सिंघम शावक को जन्म दिया था। सिंघम अब 1 साल का हो चुका है। 1.5 महीने के बाद जब नन्हे शावक भी बड़े होंगे तो मैत्री बाघ चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों को रिझाते नजर आएंगे। 1997 में उड़ीसा के नंदन कानन जू से एक जोड़े सफेद बाघ बाघिन को मैत्री बाघ लाया गया था। तब से इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। नन्हे शावकों को मिलाकर अब कुल 9 सफेद बाघ जू में है। वहीं 12 बाघों को देश के अन्य जू में यहाँ से भेजा गया है। फिलहाल इस वक्त मैत्री बाघ में खुशी की लहर दौड़ गई है। दुर्ग से अनिल गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 18। और